Assalamu alaikum, you are watching Bushra's Coaching and today we will discuss Euler theorem. What is Euler theorem and the proof of Euler theorem? So what the statement of Euler theorem says? It says if N, R and E are the number of vertex, number of region and number of edges respectively, there is a connected planar graph G. The formula is N plus R minus E is equals to 2. So we have to prove this formula by principle of mathematic induction. So we will write here using principle of mathematic induction. So we know that in mathematic induction, first we let E is equal to 1 and we have to prove the formula for 1. So let's start. Let E is equals to 1, N is equals to 2, and R is equal to 1. So now if we put these values in the formula, then we will get the satisfaction. So let's put here N plus R minus E equal to 2. N and 2 hai hamare paas, R hai hamare paas 1, E hai hamare paas 1. Is equal to 2. So here minus 1 and plus 1 will be cancelled. So 2 is equal to 2. So it satisfied. ये हमारे पास यहाँ पर satisfy हो गया, तो यहाँ पर हम statement लिख सकते हैं. So the theorem is true. So the theorem is true for E is equal to 1. So हमने ये यहाँ पर E is equal to 1 के लिए प्रूफ कर दिया है. So हम लोग जानते हैं कि principle of mathematic induction हमें ये कहता है कि अगर एक formula E is equal to 1 के लिए प्रूफ करता है, तो हम लोग इसको let कर लेंगे कि ये प्रूफ करता है K के लिए. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, now we can say that it is true for E equal to K. So now we have to prove that this theorem is true for E equal to K plus 1. तो अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे पास है E equal to K के लिए भी प्रूफ करता है, यानी सेटिस्फाई करता है. तो अब हम ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे E equal to K plus 1 के लिए कि हाँ, ये इस पर भी सेटिस्फाई करता है. सो अब जब हम लोग आ गए हैं कि हमें E equal to K plus 1 के लिए फार्मूला प्रूफ करना है, तो हम लोग ले लेंगे if there is no cycle and if there is cycle. इसको हम लोग A दे देते हैं और इसको हम लोग पार्ट B दे देते हैं. तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि if there is no cycle. लेट सपोज मैं एक ग्राफ ले लेती हूँ. मैंने एक 4 वर्टिक्स का ग्राफ ले लिया, ये वर्टिक्स. यहाँ पे अब हमने एक ग्राफ ले लिया है जिसमें हमारे पास रीजन क्या है, रीजन हमारे पास 1 है. तो आप देख सकते हैं, देखिए रीजन 1 है क्योंकि ये साइकिल नहीं है. अगर ये यहाँ पर बंद होता, ये साइकिल होती, तो फिर रीजन 2 होते हमारे पास. अच्छा, तो रीजन यहाँ पर हमारे पास आर 1 है और ऑब्वियसली हम लोग ई हम लोग के प्लस 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ठीक है, वो ई के प्लस 1 होगा. एंड नंबर ऑफ वर्टिक्स हमारे पास के प्लस 2 होंगे. ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पर एज हमारे पास के प्लस 1 है, तो नंबर ऑफ वर्टिक्स हमारे पास के प्लस 2 होंगे. तो अब अगर हम लोग इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट कर दें, तो फार्मूला हमारे पास क्या था, एन प्लस आर माइनस ई इज इक्वल टू 2. तो एन हमारे पास क्या है, के प्लस 2, आर हमारे पास है प्लस 1, ई हमारे पास है माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 2. तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि के प्लस 2 है, प्लस 1 इसको माइनस के कर देंगे, प्लस इनटू माइनस, माइनस इज इक्वल टू 2, ये कट गए
ये और ये कट गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है। बट अब हम लोग तो यहाँ पर इफ़ देयर इज़ नो साइकिल की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो हमने सेटिस्फाई कर लिया है। बट यहाँ पर एक और कंडीशन है, इफ़ देयर इज़ साइकिल। अब अगर हमारे पास साइकिल होगी तो उसके लिए हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? इस कंडीशन के लिए हम लोग लेट सपोज कर देते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक ग्राफ है। अच्छा, अब हम लोग एक ग्राफ ले लेंगे जो कि हमारे पास कुछ यूं है, जिसमें हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 वर्टिसेस, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक एज को लेट कर देते हैं ई के लिए, तो हम लोग इस वाले एज को लेट कर देते हैं कि यह हमारे पास ई है। तो जब हम लोग ये एलिमिनेट करेंगे, इस एज को एलिमिनेट करेंगे इस ग्राफ से, तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ यूं हो जाएगा। ये ई गायब हो जाएगा क्योंकि इसे तो हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो इसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे हमारे पास रीजन क्या है। रीजन हमारे पास 3 है, 1 और 2, रीजन हमारे पास 2 बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब रीजन 2 है, यहाँ पर है हमारे पास 1, 2 और यहाँ पर 3 थे, तो 3 थे, तो यहाँ पर r इज़ इक्वल टू 3। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं r इज़ इक्वल टू r माइनस 1, तो ये क्योंकि हम लोग ने एक रीजन को एलिमिनेट कर दिया है तो r माइनस 1 लिख लेंगे। नंबर ऑफ वर्टेक्स वो हमारे पास n ही रहेंगे। e हमारे पास होगा k, के क्यों होगा क्योंकि हमारे पास हम लोग क्या लेट कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास के ई हमारे पास है के प्लस 1, बट यहाँ पर तो हमने एक एलिमिनेट कर दिया, तो क्या हम इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं के प्लस 1 एंड माइनस 1, तो प्लस 1 एंड माइनस 1 विल बी कैंसिल, सो वी गेट ई इज इक्वल टू के। सो ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एन और ये हमारे पास आर। सो अब हम लोग इसे पुट करेंगे अपने फार्मूला में जो कि है n प्लस r माइनस e इज इक्वल टू 2। n क्या है हमारे पास, वो n ही है, यहाँ पर हमने लिखा है। r क्या है, r है r माइनस 1, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं r माइनस 1। e क्या है हमारे पास, k है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस k इक्वल टू 2। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्यूट करेंगे तो प्लस आर माइनस 1 माइनस के इज इक्वल टू 2। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं प्लस, इन दोनों में से हम लोग एक माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया, के प्लस 1 हो गया हमारे पास इक्वल टू 2। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया है फॉर के प्लस 1। क्यों? क्योंकि के प्लस 1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ई के, जिसे हमने फर्स्ट यहाँ पर हमने जिसे सपोज किया था कि अब हम लोग इसे के प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। सो ये हमने सेटिस्फाई कर लिया है कि हाँ, ये फार्मूला के प्लस 1 के लिए भी सेटिस्फाई करता है। तो ये था हमारा आयलर थ्योरम का प्रूफ। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।